or wrongly. But aap dekhe, jab aap kisi se bheek mangte, then they expect you to say yes to everything. Aur jab aap no bolenge, no. Hey, what's up guys? Kaise ho aap log? Hum fir wapas aa gaye hain आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को सीधा एक मिनट स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रही है यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान के रिश्ते अब तक के शायद हिस्ट्री के सबसे ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, उस बारे में बात कर रही है। पाकिस्तान के साथ जो व्यवहार हो रहा है यूएई और सऊदी अरेबिया में, उनके फॉरेन मिनिस्टर का साथ जो हुआ, उसी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रही है। और आपको पता है कश्मीर को लेकर भी यूएई और सऊदी अरेबिया ने एक क्लियर स्टैंड लिया है, उसके बारे में भी पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के बारे में करते हैं बात। आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव। जो ताल्लुक हमारे सऊदी अरब के साथ आज हैं, ऐसे तो कभी भी नहीं थे और कभी तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि जब कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म सितम की दास्तानें रकम की जा रही हों, जब वहां पर इंसानी हकूक की इतनी बदतरीन पामाली हो रही हो और पूरा आलमी जमीर खाबे खरगोश की नींद सो रहा हो, उस वक्त सऊदी अरब की क्यादत जो है वो हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चार रोजा सरकारी दौरे पर बुलाकर उसको आला तरीन एजाजात जो है फौजी उससे नवाजेगी। ना हमें यह पता था कि यूएई की और सऊदी अरब की क्यादत मोदी को, जो पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है, उसको बुला के अपने आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर तो बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन मैं इसको समअप करने की कोशिश करता हूं। और आज हमसे क्या तकाजे किए जा रहे हैं उसकी बात करना भी बहुत जरूरी है। हमने पिछले अपने वजूद में आने से लेकर आज तक सऊदी अरब और उसकी क्यादत का हमेशा साथ दिया, जो उन्होंने कहा हमने माना, जो उनको सूट करता था हमने वो किया। लेकिन जब हम मुश्किल वक्त में फंसे तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो अब किसी बयान की जरूरत नहीं है। उसके साथ वही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, जिसको हमारे मुल्क के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ड्राइव करके ईवाने सदर तक लेके आए थे, उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने से इनकार किया जब वो सऊदी अरब के दौरे पर गए, जो कि पहले से तय था। एक बहुत लोअर लेवल के फौजी अफसर के साथ मुलाकात के बाद उनको वापस आना पड़ा। ये कुछ क्यों हो रहा है, उसकी वाज़े दो बातें मैं करना चाहता हूं। एक तो ये कि इसराइल को और उसके सबसे बड़े वाली वारिस अमेरिका को यह पता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए जब तक फलस्तीन की रियासत का क़याम अमल में नहीं आएगा, इसराइल को तस्लीम करने का तसव्वुर भी नामुमकिन है। और मुझे इस बात में बहुत खुशी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनकैटेगोरिकल टर्म्स में यह कहा है, जिसको कंट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता, कि मैं उसी पॉलिसी पर अमल पैरा हूं जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की थी, और उसको उन्होंने बिल्कुल वाजे तौर पे बयान भी कर दिया। मुझे इसकी बहुत खुशी है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं एज ए पाकिस्तानी कि उन्होंने उन तमाम खदशात और तमाम र्यूमर्स जो हैं उसको सेट असाइड कर दिया है अपने इस बयान के बाद। आई हैव नो रीजन कि मैं उनकी इस बात को ना मानूं। दूसरी तरफ हमने क्या नहीं किया सऊदी अरब के लिए, हमने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को साबका को भेजा वहां एतिहाद की जो फौजें हैं उसकी क्यादत के लिए, हमने उसकी सलामती को अपनी सलामती करार दिया, हमने कहा दुनिया की कोई भी ताकत जो सऊदी अरब पर हमला करेगी, चाहे मक्का हो, मदीना हो, चाहे काबा हो, तो हम उसका दिफा ऐसे करेंगे जैसे वो हमला हम पर हुआ है। लेकिन हमें उसके इनाम के तौर पर, हमें उसके इनाम के तौर पर जो कुछ मिला है वो बयान करते हुए भी शर्म आती है। वो सब चीजें जो सऊदी अरब करता था या हमसे करवाता था अब खुद करने से गुरेजा है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, बहुत ही खौफनाक बातें हैं जो की जा सकती हैं, पूरी दुनिया में ये वीडियोज वायरल हैं, लेकिन मैं इशारा जरूर करता जाऊं कि वो जो कुछ हमने उनके कहने पर किया उन्होंने खुद उसको अंडू किया, और जो कुछ हमने उनके लिए किया उसके इनाम की बजाय हमें वो सजा दी जा रही है कि हमारे किनारों पर बैठा हुआ दुश्मन उसको नवाजा जा रहा है, उसकी उसको किस किस तरीके से उसकी मदद की जा रही है। इतनी इतनी बड़ी डील साइन की जा रही है भाई सऊदी अरेबिया एंड यूएई विद इंडिया कि हमें समझ में नहीं आती कि हम कहां खड़े हैं। ठीक है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा इस वक्त के मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते हैं।
इनाम की बजाय सजा, ताल्लुकात किस नहज पर हैं? अनवर बेग साहब, पाकिस्तान सऊदी अरब के माबैन सिफारती ताल्लुकात हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फिर हमारे डिफेंस के मामलात हैं, थोड़ा सा पस मंजर के साथ तनाव अभी मौजूदा आप क्यों देख रहे हैं? क्या माजी में भी इस हद तक के तनाव रहे, क्यों रहे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, हमें जो मसले बने हैं वो फाइनेंशियल रहे डे वन से। हमारे हालात कभी भी सही नहीं हुए और हम हमेशा पिछले 20-25 साल में तो हम देखते रहे, जब भी एक नई हुकूमत आई है हम या के पास जाते हैं या फिर हम जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास या और हमारे दोस्त जैसे यूएई हैं या और किसी के पास। जब आप किसी से पैसे मांगेंगे और फिर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, वो फिर आपसे डिमांड करेंगे। और ये आप मत भूलें कि पहले इनसे जो रूलर्स अब हैं जीसीसी के अंदर, ये एक यंग क्राउड है, इनका तजर्बा नहीं है गवर्नेंस का। पिछले जो थे इनके वालिद और इनके चाचा और इनके जो दूसरे लीडरशिप थी सऊदी अरेबिया की, वो बड़े विजनरी लोग थे। अब ये लोग 45 साल की अंडर एज हैं, ये सब तजर्बा है नहीं, प्रेशर्स बहुत हैं। आपको इन्होंने पैसे तो दे दिए, ये किस्सा कहानी यमन वॉर से शुरू हुआ है और वहां से ये हमारे साथ डिटोरिएट हो गए। जब नवाज शरीफ साहब ने ये इशू पार्लियामेंट में जाके वो ले गए और वहां से एक रिजेक्शन आया, राइटली और रॉन्गली। बट आप देखें, जब आप किसी से भीख मांगते हैं देन दे एक्सपेक्ट यू टू से यस टू एवरीथिंग, और जब आप नो बोलेंगे, नोइंग हमारे अरब मेंटेलिटी, वो एक मिनट के अंदर नाराज हो जाते हैं। और क्योंकि इनका तजर्बा नहीं था, इन पे और इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत पड़े, तो उन्होंने जनाब आपके साथ ये हशर किया है। मैं ये समझता हूँ कि इट्स टाइम इनफ कि पाकिस्तान को चाहिए कि ठीक है, अब उनसे आपने पैसे लिए, आप उनको लौटा भी रहे हैं उनके डिमांड के ऊपर, बट खुदा रहा आप अपने टांगों पे खड़े होने की साल कुछ कोशिश करें। जब तक आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं होंगे, आपके साथ ये हशर होता रहेगा। यानी कभी आप लोगों ने सोचा था कि यूएई पाकिस्तानी वीजा बैन कर देगा एम्प्लॉयमेंट का? वहां पे ऑलरेडी 15 लाख हमारे पाकिस्तानी वहां पे। अनवर बेग साहब, अगर मैं मौजूदा सूरत हाल में आपको कहूं कि सऊदी अरब और यूएई का पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर आप इस वक्त समझ रहे हैं और ये प्रेशर कहां से लिया जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर क्यों बिल्डअप किया जा रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों बहुत करीब रहे हैं, ताल्लुकात बहुत गहरे और खास रहे हैं। देखें आयशा बख्श बीबी, ये मैंने जैसे आपको कहा, ये यमन वॉर से बात शुरू हुई और ये प्रॉब्लम्स हमारी पाइल अप होती गई। और अभी पीछे से जो खबरें वैसे जो आ रही है कि भाई हम इसराइल का प्रेशर हम पे पड़ रहा है थ्रू वेरियस सोर्सेस, क्योंकि यूएई ने रिकग्नाइज कर लिया है, हो सकता है कल को सऊदी अरेबिया करे, मोरक्को ने कर लिया है, बहरीन ने कर लिया है, अमेरिकन प्रेशर है। ये थोड़ी बहुत तो समझ अकल बूझ तो हमें भी है कि ये प्रेशर किस लिए है, और इसमें तो कोई शक नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो होता है खत्म, आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो अब करते हैं वीडियो के बारे में बात। आपने देखा पाकिस्तानी पत्रकार किस तरीके से बता रहे हैं, अगर आप किसी देश से मदद मांगने के लिए जाते हो और हमेशा उससे भीख मांगोगे तो वो आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा और पाकिस्तान की इमेज दुनिया में एक भिखारी देश के, मतलब भिखारी देश जैसी बन चुकी है। और उसी बारे में पाकिस्तानी पत्रकार ने बोला है। आपने देखा कि किस तरीके से अगर सऊदी अरेबिया जाते हैं इमरान खान या उनके आर्मी ऑफ के बाजवा या फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर, तो उनसे यूएई और सऊदी अरेबिया के कोई भी बड़े ऑफिशियल नहीं मिलते हैं, छोटा मोटा कोई भी मिलके वहाँ से निकल जाता है, जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना। और ये लोग क्या करते हैं, वहाँ जाकर थोड़ा बहुत बात करते हैं, थोड़ा रिश्ते ये और वो, फिर आखिरी में पैसे मांग लेते हैं। तो अब कोई भी देश है, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, लेकिन बार बार नहीं देगा। पाकिस्तान की एक ही आदत है, ये खान मतलब अब पेट भरने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं, इस तरीके की हालत इनकी हो चुकी है। अभी सऊदी अरेबिया ने, आपको पता है, पाकिस्तान से जो उनका पुराना लोन था वो वापस लिया और उस लोन को चुकाने के लिए पाकिस्तान को
चीन से लोन लेना पड़ गया, तो आप हालात समझ सकते हैं। और इनको तेल वेल में भी कुछ रिलीफ मिल जाती है, ऑयल भी मिल जाते हैं, कच्चे तेल काफ़ी सस्ते दामों में, तो शायद वो भी आने वाले समय में इनकी कुछ हालत पतली होने वाली है। और पाकिस्तान जो अपने आप को एक मुस्लिम उम्मा ये वो क्या क्या समझता है, मतलब यही खुद जानते हैं जो क्या समझते हैं। कश्मीर पर इनका एक अलग स्टैंड है, इसराइल पर एक अलग स्टैंड है, तो उसको भी लेकर अब ये लीक कर जाएंगे और कुछ दिनों में ये लीकेज इनका जो इनका मतलब जो मुस्लिम उम्मा का और ये सब प्रेशर है इन पे पड़ेगा और ये लीक कर जाएंगे और डेफिनेटली ये कुछ दिनों में इसराइल को भी कंसिडर करेंगे एज अ कंट्री और कश्मीर को भारत का हिस्सा मान लेंगे। क्योंकि आपको पता है सऊदी अरेबिया और यूएई ने अब इन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान सोचे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम ये वो, तो इनके पूरे लोग वहाँ से आएंगे बाहर, तो फिर ये सॉवरेन कंट्री अपनी कंट्री में अपनी लेबर के साथ गिल्ली डंडा खेलेंगे और फिर इमरान खान आप समझ जाए कि क्या होगा। तो बहुत हालात ख़राब है और इनका फॉरेन मिनिस्टर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करता है, ये कितना घटिया फॉरेन मिनिस्टर है। और वो भी क्या करे बेचारा, जब कंट्री ही ऐसी है, कंट्री के पास ही मतलब कोई पावर ना हो, आपकी कंट्री की दुनिया में सुनी ना जाती हो, तो फॉरेन मिनिस्टर भी बेचारा क्या करे। बड़ा मीठा टाइप का आदमी है, बड़ा बहुत ज़बरदस्त मतलब तरीके से बोलता है, जैसे अपने योगेंद्र यादव जी बोलते हैं वैसे ही कुछ बोलता है बड़ा प्यार से। और मैंने इसका एक इंटरव्यू अपलोड किया था, आपने कल अगर देखा हो मेरा वीडियो तो आपने इसके मतलब इसको जो वहाँ पे बेइज्जती हुई थी बड़े प्यार से बता रहा था। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया अभी भी एक झूठ फैला रहा है कि भारत फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। और पाकिस्तानी मीडिया ये क्यों फैला रहा है, क्योंकि सीज़ फायर वॉयलेशन बढ़ गया है दोनों साइड से, तो सीज़ फायर वॉयलेशन के बाद पाकिस्तानी मीडिया इस तरीके की बातें कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से डेफिनेटली कोई ना कोई तरीके से टेररिस्ट आने की कोशिश कर रहे होंगे, कश्मीरी में कुछ पुलवामा या उरी जैसा कुछ अटैक करें तो उसमें भी भारत उनको तो वहीं पर बॉर्डर पर ही निपटा देता होगा। तो आपको पता है कितना डेंस, कितना मतलब डिफ़िकल्ट बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, एलओसी स्पेशली वहाँ पे कितना मतलब ऊपर नीचे नदी पहाड़ सब है, तो हर जगह फेंसिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं से ये चूहे घुस ही आते होंगे। तो अब देखते हैं उन्हीं पर गोली बरसाई होगी तो ये सीज़ फायर वॉयलेशन शुरू हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं खत्म, आपसे रहेगी रिक्वेस्ट।